भरतपुर में धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि करीब 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन अब तक किया जा चुका है। धर्मांतरण गैंग के तार चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। पूरी रिपोर्ट आइए दिखाते हैं आपको। धर्मांतरण का बड़ा खेल, 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन, चंडीगढ़ से फंडिंग, भरतपुर में धर्मांतरण, 10,000 लोग और 3 साल। इन आंकड़ों से आपको कुछ समझ आया क्या? अगर नहीं तो आप भरतपुर में हुई धर्मांतरण के खेल को जान लीजिए, जहां इतनी ही संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। जितनी संख्या हमने आपको ऊपर बताई थी, अब आप खुद सोचिए, 3 साल से धर्म परिवर्तन का यह धंधा जारी था और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी, लेकिन जब इसकी जानकारी लोगों को लगी तो जमकर हंगामा हो। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस भी पहुंच गई और धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों ने धुनाई भी कर दी। साथ ही धर्मांतरण के इस खेल को रोकने की प्रशासन से मांग भी की है। धर्मांतरण रोका जाए और हमारे हिंदुत्व के देवी देवताओं को टारगेट नहीं करें। धर्मांतरण का ये पूरा खेल एक होटल में चल रहा था, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। भरतपुर के इस होटल में करीब 450 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। ये खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने छापेमारी की। शादी के नाम पर धर्मांतरण के इस खेल को देखकर पुलिस भी दंग रह गई। साथ ही धर्मांतरण को लेकर जो जानकारी मिली है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। बताया गया है कि करीब 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन अब तक हो चुका है। धर्मांतरण का यह खेल चंडीगढ़ से खेला जा रहा था और पिछले 3-4 सालों से धर्मांतरण गैंग सक्रिय थी। इस गैंग का सरगना विजेंद्र नाम का शख्स है, जो कार्यक्रम के हिसाब से पैसे तय करता था और पूरी फंडिंग चंडीगढ़ से होती थी और आगरा से आकर लोग धर्म परिवर्तन कराते थे। इस धर्मांतरण के खेल का भंडाफोड़ एक वकील ने किया। अगर वो भरतपुर की सोनार हवेली नहीं पहुंचते तो शायद इस धर्म परिवर्तन की सभा का कभी खुलासा ही नहीं होता। वकील की दोस्त की शादी थी, बुकिंग के लिए वो होटल पहुंचे थे, लेकिन होटल के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब वो अंदर जाकर पहुंचे तो वहां का नजारा ही दूसरा था। स्टेज पर दवाओं की बोतलें रखी हुई थी और लोगों के हाथ में बाइबल देकर प्रभु यीशु की कसम दिलाकर कुंवर सिंह नामक शख्स धर्म परिवर्तन करा रहा था। हॉल में लगी 15 LED पर प्रोफेट विजेंद्र सिंह वीडियो भाषण के जरिए ईसाई धर्म अपनाने के लिए वहां मौजूद लोगों को प्रेरित कर रहा था। लोगों का जिस तरह धर्मांतरण कराया जा रहा था उससे सवाल प्रशासन पर भी है और लोग अब सरकार की तरफ भी देख रहे हैं। सरकार से उम्मीद है कि वो धर्मांतरण के ऐसे खेल को रोकेगी और कठोर कार्रवाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, भरतपुर, राजस्थान। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, लौट कर तुरंत आते हैं।